के लिए, बहुत सारी जो समाज की बुराइयां हैं उनको हटा, उनको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे मानवता भलाई के काम किए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्टाई में। लगातार आपकी मुलाकात जनता से करवा रहे हैं, आज भी हम आपकी सीधी बातचीत जनता से करवाएंगे। आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े रहने के बाद। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? गौरव इंसान। मैम कितने टाइम से डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ी हुई हैं आप? मैं बचपन से ही डेरा सच्चा सौदा की अनुयायी रही हूँ और यहाँ पर मेरे मम्मी पापा के साथ आते रहे। मैम आप बचपन से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं, तो क्या कारण है कि आप इतने समय से यहाँ पर आती हैं? यहाँ पे आके मन को बहुत शांति मिलती है और यहाँ पे जो मानवता भलाई के काम चल रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं और उनको करके बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है मन को। किसी भी तरह की कोई बेचैनी या कुछ होता है तो हम यहाँ पे आते हैं तो मन को शांति मिलती है। मैम किस तरह के मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं यहाँ पर? यहाँ पे नशा मुक्ति और लड़कियों की शिक्षा के लिए और उनके लिए बहुत सारी जो समाज की बुराइयां हैं उनको हटा, उनको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे मानवता भलाई के काम किए जाते हैं। मैम लड़कियों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर कैसा वातावरण है? लड़कियों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे जो स्कूल कॉलेज हैं वो अलग से हैं लड़कियों के लिए, लड़कों के अलग हैं, और यहाँ लड़कियों के कोई काम करना चाहता है तो उसके लिए भी अलग से व्यवस्था है। रहने खाने पीने की सब व्यवस्था जो लड़कियों के लिए अलग से है और बहुत उच्च कोटि की है। मैम कुछ साल पहले गुरुजी पर आरोप लगाए गए थे, उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो सब आरोप बेबुनियाद है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जैसा उनके बारे में कहा जा रहा है। यहाँ बहुत अच्छा वातावरण है और लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा वातावरण है, ऐसा आपको वातावरण कहीं भी नहीं मिलेगा। मैम गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी गुरुजी को हम सबके बीच में लाएं और जल्दी से जल्दी उनको रिहा कर दें और ताकि हम अपने मानवता भलाई के कार्य और भी बढ़ चढ़ कर करें उनके दिशा निर्देश में। जी धन्यवाद मैम। तो जैसा कि आप सबने देखा कि जनता की सिर्फ एक ही अपील है कि संत जी पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सब बेबुनियाद है, संत जी जल्द से जल्द समाज में वापस आने चाहिए ताकि ये सब लोग मानवता भलाई के कार्यों में और बढ़ चढ़ कर सहयोग कर पाएँ। इन्हीं फैक्ट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द फैक्ट टाइम में। धन्यवाद।